सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे एक नए और वीडियो में। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो आप स्टेटस वीडियो देखे, अगर आप भी इस प्रकार का कुछ बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में ना शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना होगा। तभी दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे हम इस प्रकार का वीडियो को क्रिएट करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो को बनाने के लिए आपको कैन मास्टर की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कैन मास्टर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए यार, है तो। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने कैन मास्टर अप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्लस क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से रेशियो सेलेक्ट कर लेना है फुल स्क्रीन का। तो सो गाइस, यहाँ पे फुल स्क्रीन करो सी आपको क्या करना है, 9:16 को इस वाला रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट में इमेज एसेट का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना और यहाँ से ब्लैक वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके जितना सेकंड का आप बनाना चाहते हो उतना सेकंड इसका टाइमलाइन को यहाँ से बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट का जो ऑप्शन है राइट पर क्लिक करना और इसका स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करना और मीडिया पर क्लिक करना और जिस फोटो को लेकर आप बनाना चाहते हो वो फोटो जिस फाइल में रहेगा उस फाइल को ओपन करके फोटो को सिलेक्ट कर लेना। फोटो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस फोटो पे क्लिक करना और यहाँ कैंची का जो बगल में एक ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना और इसको सफेद डिब्बे पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना। एंड इस फोटो को आपको क्या करना है, इस प्रकार एडजस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों राइट वाला बटन पर क्लिक करना है और इस फोटो को ड्यूरेशन को जितना आपका बैकग्राउंड का है उतना इसका भी बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों इस फेयर सेल लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार क्या करना, यहाँ से जिस फाइल में मटेरियल रहेगा उस फाइल को ओपन करके इस प्रकार ब्लैक कलर का यहाँ शेडो ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों इस शेडो पे क्लिक करना, यहाँ पे देखिए फिर से कैंची का बगल में जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना और यहाँ से सेफेयर डिब्बे पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना। एंड इसका भी टाइमलाइन को आपको क्या करना, यहाँ से वीडियो जितना आपका बैकग्राउंड का उतना रख लेना। उसके बाद दोस्तों फिर से लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पे देखिए इफेक्ट का जो ऑप्शन है इफेक्ट पे क्लिक करना, बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करके गार्जियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेना। इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना है, आपको एक बार बैक आना एंड यहाँ सेटिंग का जो ऑप्शन है सेटिंग पे क्लिक करना और इसको 1 पे सेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसको ऊपर ऊपर स्क्रॉल करना है और इसको पूरे इस फुल स्क्रीन में यहाँ से ब्लर को सेट करके इसका भी टाइमलाइन को यहाँ से बढ़ा कर आपको फुल वीडियो पे रख लेना इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ से बैक कर लेना। अब दोस्तों बैक करने के बाद फिर से लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक कर लेना एंड जिस फाइल में आपका मटेरियल डाउनलोड रहेगा उस फाइल को ओपन करना और यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना इस प्रकार, ठीक है, ब्लू कलर का यहाँ पर टेम्पलेट को। उसके बाद दोस्तों नीचे आना, यहाँ पर देखिए स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना, इसको यहाँ से फुल स्क्रीन करके एक बार बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से नीचे स्क्रोल कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए क्रोमा की का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना, यहाँ से इनेबल कर लेना और कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना 50-50, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से राइट वाला पे क्लिक करना है। राइट वाला पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा, जितना आपका वीडियो करेगा उतना इसका भी बैकग्राउंड को रख लेना। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, वीडियो को एक बार प्ले करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक आइकन मिल रहा है, इस आइकन पे क्लिक करना और यहाँ सेव एज वीडियो जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक करके इस वीडियो को एक बार यहाँ से सेव कर लेना। सेव करने के बाद दोस्तों आपका जिस पर जो सेव हो जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक आना। बैक आने के बाद दोस्तों जो भी यहाँ मटेरियल यूज़ किया सभी को यहाँ से एक एक करके आपको इस प्रकार डिलीट कर लेना, ठीक है। केवल दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो को रखना और बैकग्राउंड को। अब दोस्तों फोटो पे क्लिक करना एंड यहाँ कैंची का बगल में जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना और इसको ऑफ़ कर लेना कुछ इस प्रकार, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों राइट वाला बटन पे क्लिक करना एंड फिर से लेयर पे क्लिक कर देना। लेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मीडिया पे क्लिक करना और जो कैन मास्टर साहब वीडियो एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को क्या करना है, जिस फाइल में रहेगा उस फाइल से इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों राइट वाला बटन पे क्लिक करना है एंड इस ये जो वीडियो ऐड किया उसमें क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके जाना, यहाँ पर देखिए क्रोमा की का जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना एंड यहाँ से इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद दोस्तों दोनों को 50-50 आपको इस प्रकार रख लेना। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो एडजस्ट नहीं हो रहा है तो राइट वाला बटन पर क्लिक करना एंड फोटो पर क्लिक करना। उसके बाद इस फोटो को आप थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेना इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों राइट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पे क्लिक करना और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे ये
यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से इमेज पे क्लिक करके एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी टाइमलाइन को यहाँ से क्या करना है, बढ़ा लेना है। एंड यहाँ कलर का जो ऑप्शन है कैंची के बगल में, इसमें क्लिक करना, इस प्रकार इसमें क्लिक करना और यहाँ से व्हाइट को सिलेक्ट कर लेना इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों डन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, फिर से इस बैकग्राउंड कलर वाला बैकग्राउंड पे क्लिक करना, इसको रोटेट कर लेना कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों इसका साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना, इसको मास्क को इनेबल करके फीदर को आपको क्या करना है, लगभग यहाँ पे 30 या 32 पे रख लेना, ठीक है इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों राइट वाला बटन पे क्लिक करना एंड इसमें क्लिक करना है बैकग्राउंड पे, और इसको थोड़ा सा जूम करना है कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे नीचे लाके आपको एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार, एडजस्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों थ्री डॉट पर क्लिक करना एंड यहाँ चार नंबर में सेंड टू बैकवर्ड जो है इसमें क्लिक कीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अगर आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम करके आप इसको और बड़ा कर सकते हैं इस बैकग्राउंड को इस प्रकार, ठीक है इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों यहाँ राइट वाला बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना एंड लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक कर लेना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जिस स्टेटस वीडियो को लेकर आप बनाना चाहते हैं वाइट स्क्रीन का, उस स्टेटस को इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना एंड नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे देखिए एक मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इसमें क्लिक करना और यहाँ से मल्टीप्ले पे सेट करके कुछ इसको नीचे साइड में आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है इस प्रकार, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके कुछ आगे जाइएगा तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से फिर से आपको क्या करना, राइट वाला बटन पे क्लिक करना है एंड जितना आपका लेयर है उतना रख लेना है इसको भी यहाँ पे। उसके बाद कैंची में क्लिक करके ट्रिम टू राइट पर कलेक्ट कर देना है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका यहाँ से कट हो जाएगा। कट होने के बाद दोस्तों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है और यहाँ से लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक कर लेना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मटेरियल फाइल को ओपन करके यहाँ से इस प्रकार टेम्पलेट वीडियो को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करके सफेद डिब्बे पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना एंड यहाँ से एक बार बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से नीचे जाना, यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है ब्लेंडिंग में क्लिक करना और यहाँ से इसको स्क्रीन पर सेट करके यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद दोस्तों जो इसका अदर पार्ट रहेगा उसमें क्लिक करना एंड कैंची पे क्लिक करना और यहाँ से ट्रिम टू राइट कर देना। अब दोस्तों फाइनली हमारा यहाँ वीडियो बनके कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को प्ले करके देख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना एंड लेयर पे क्लिक करना और मीडिया पे क्लिक करना। मीडिया पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या करना, एक वाइट इस बॉर्डर पीएनजी सेलेक्ट कर लेना। सो गाइस सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना, इसका भी टाइमलाइन को यहाँ से बढ़ा के आपको पूरे बैकग्राउंड में रख लेना एंड यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पर आना, फिर से बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करना एंड कैंची के बगल में जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों सफेद डिब्बे पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेना। राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से बॉर्डर वाला पीएस लेयर पे क्लिक करना एंड ब्लेंडिंग में क्लिक करना और यहाँ से इसको स्क्रीन पे सेट करके इस प्रकार कुछ राइट पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ फाइनली हमारा बॉर्डर पीएनजी लग चुका है। अब दोस्तों इस प्रकार से हमारा पूरे यहाँ स्टेटस वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो दोस्तों साउंड को थोड़ा सा यहाँ से म्यूट करके आपको वीडियो को दिखा देते हैं प्रीव्यू, ठीक है। तो दोस्तों साउंड को यहाँ इसलिए म्यूट कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी इस वीडियो पे कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो को सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सेव एज वीडियो जो है इसमें क्लिक कीजिएगा, ये वीडियो आपका फाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वीडियो आसानी से बना सकते हैं।